हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कम सीटों पर जीत को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। पार्टी अब हर स्तर पर अगले चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने की तैयारी में जुटी है। भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता अभिनंदन समारोह आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जीत दिलाने पर मतदाताओं का आभार जताते हुए उनको सम्मान किया। देखिए, मतदाता भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है और मध्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। आज मतदाता सम्मान समारोह हमारे माननीय अध्यक्ष जी और इस क्षेत्र के जो हमारे उम्मीदवार थे बॉबी जी, पार्षदगण, इनके सबकी उपस्थिति में हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आधिपत्य संगठन है, इसका मुकाबला दूसरा दल नहीं कर सकता। और बीजेपी हमेशा 1980 में जब 84 में चुनाव हुए तो हम लोग 2 सीट पाए थे और आज 22 राज्यों में हमारी सरकार है। आज सबसे ज़्यादा सांसद हमारे हैं, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब मोबिलाइज होता है तो विजय अपने आप वो प्राप्त होती है। तो आज इसी प्रकार से उनका सम्मान समारोह था जिसमें हम सारे लोग आए हैं।